गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 8 के लिए दूसरा भाग में पढ़ा चुका हूँ। इसका तीसरा भाग बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि पहले में इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि चोर विवेक के घर में पहुँच गए थे, और पहुँचने के बाद विवेक उन चोरों को देखते ही सब जब उसे आभास होता है। आभास होने के बाद उसने मेल के माध्यम से चैनल वालों को बताया, और चैनल वाले आकर के वहाँ पर उसे घेर लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे ही चोर सारे घर का सामान सीमेंट करके वो गठरी में बांध करके नीचे आ रहे हैं, और नीचे आने के बाद एक एक को मतलब वहाँ पुलिस पकड़ती जा रही है और पकड़ लेती है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद देखिए, विवेक ने खिड़की से झांक कर पुलिस वालों को देखा तो उसकी जान में जान आई। अब ऐसी स्थिति में अब पकड़ तो लिया गया मतलब, लेकिन ये बात अभी विवेक को पता नहीं है, इस बात का आभास भी विवेक को नहीं है। और जैसे ही पुलिस वालों को विवेक देखता है अपने घर के पास, तो उसके जान में जान आती है और वह बाहर आया। विवेक को देखकर संवाददाता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने कमाल की कोशिश दिखाई है, हमने तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया था। और जैसे ही विवेक बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो संवाददाता यानी जो पत्रकार था, पत्रकार विवेक की पीठ को थपथपाता हुआ शाबाशी देता है और कहता है, तुमने कमाल की होशियारी दिखाई, हमने तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया था, तुम्हारी जो चलाकी मुझे समझ में आ गई थी, तुम बहुत ही होशियार बच्चे हो और तुमने ईमेल के माध्यम से हम लोगों को परिचय या मतलब अपना पता और अपनी कंडीशंस बता दी थी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। पूरी बात सुनकर विवेक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अंकल, आप लोगों ने दर्शक को तो लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, लेकिन हमारी मदद नहीं की। अब जब इस बात को सुनता है कि हमारे घर से चोर को तो मतलब आपने पकड़ लिया, लेकिन जो हमारी सुरक्षा थी उसकी आप लोगों को जरा सा भी परवाह नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में। कुछ भी उस चोर मुझे मार भी सकते थे, लेकिन उसकी परवाह आप लोगों को नहीं थी। यह भी नहीं सोचा कि अगर मैं अकेला हूँ, अगर इन चोरों ने कुछ कर दिया हो तो फिर मेरा क्या होता। बेटे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा के बारे में ही सोचा था। उस संवाददाता ने स्नेह से विवेक के सिर पर हाथ लेते हुए कहा। अब जब विवेक ने इस बात को कहा कि नहीं, आपने हमारे घर के लिए चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन हमारी सुरक्षा का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा कि उस समय चोर भी हमारे साथ क्या कर सकते थे, तो इस पर संवाददाता कहता है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, और उसकी पीठ को सब थपथपाते हुए कहता है कि मैंने पहली बार, संवाददाता कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए पहला स्टेप मैंने तुम्हें बचाने का ही उठाया, इसके बाद मैं चोरों की पकड़ने की बात सोची है, अगर सोचा तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया क्यों नहीं। तब विवेक कहता है कि अगर आपने सोचा कि विवेक की जान नहीं जानी चाहिए, तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे क्यों आभास नहीं हुआ कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया है। तब वो कहता है, कौन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ घटनाओं को सुनते ही नहीं बल्कि सर्वप्रथम सुरक्षा को महत्व देते हैं। देखो अपने घर के रोशनदान की तरफ। संवाददाता ने विवेक के करीब आते हुए कहा, विवेक के ऊपर की तरफ देखा तो हर कमरे के रोशनदान के पास पुलिस के कमांडो अपने हाथ में रिवाल्वर थामे खड़े थे। अगर चोरों ने उनके साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की होती तो तत्काल उन्हें अपना निशाना बना लेते। अब विवेक के आंसर का, यानी विवेक के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहता है संवाददाता, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारे साथ, अब तुम यहाँ पर खड़े हो और खड़े होकर के अपने खिड़की के रोशनदान के पास देखो, और तुम्हें वहाँ प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो जब विवेक अपनी निगाह वहाँ पर डालता है तो देखता है कि खिड़की के रोशनदान के पास यानी रोशनदान के पास प्रत्येक खिड़की के पास एक एक कमांडो खड़ा हुआ था जो उसे देख रहा था, अगर उसके साथ कोई भी ऐसी घटना होती तो उसे निशाना बना देते अर्थात उसे मार देते। इसके बाद देखिए, यह देख विवेक ने सभी संवाददाताओं की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोग मेरा संदेश लिखते ही
मदद के लिए चले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब ये बातें जानने के बाद विवेक उनकी तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, हाथ जोड़कर कहता है कि आप लोग मेरे मैसेज को पढ़ें, यानी ईमेल जो मैंने भेजा था उसको पढ़ करके जो तुरंत मेरी मदद के लिए चले आए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। कहते हैं बेटे धन्यवाद तो हम लोगों को देना चाहिए क्योंकि आज तुमने टीवी की दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। न्यूज चैनलों की सहायता से भी चोरों को पकड़ सकते हैं। आज से पहले किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइव टेलीकास्ट को इस समय लाखों लोग देख रहे होंगे और करोड़ों लोग कल देखेंगे। अपने सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर वे अपने आसपास कोई घटना देखे तो हमारी वेबसाइट पर अवश्य सूचना भेज दें। जनता की सेवा के लिए हमारी वेबसाइट 24 घंटा खुली रहती है। नमस्कार, संवाददाता ने कहा और इसी के साथ टीवी पर दिखाई पड़ने वाले दृश्य गायब हो गए। विवेक के मम्मी पापा ने फोन मिलाकर विवेक को बधाई दी। अब जो इसमें बात कही गई अंत में कि अब ये तुमने जो सिर्फ काम बहादुरी या साहसी का काम किया है, मतलब दिमाग का काम किया है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इसे आज लोग देख रहे हैं, कुछ लोग आज देख रहे हैं, कुछ लोग कल देखेंगे। तो सबके लिए सबसे बड़ा सबक है, ये पाठ है कि सभी लोगों को इस पाठ का सबक ले करके इसका सबक ले करके अगर उनके लिए भविष्य में किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले हमें वो अपने मैसेज के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से हमारे पास वो संदेश भेज सकते हैं और हम उनके लिए 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और इतना कहने के बाद उनका जो कैमरा है वो ऑफ हो जाता है और वो टीवी भी ऑफ हो जाती है। कैमरा ऑन हो जाएगा तो वो समाचार भी समाप्त हो जाता है। और इतना सुनने के बाद तुरंत विवेक के पापा हैं और टीवी के सामने सुनते हैं और विवेक को फोन के माध्यम से बधाई देते हैं। ये तो आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब इसमें से आपको दो प्रश्न के उत्तर लिख करके भेजना बेटा। इसमें से पहला क्वेश्चन है, लाइव टेलीकास्ट का अर्थ क्या है? अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, लाइव टेलीकास्ट का अर्थ क्या होता है। दूसरा इसमें है, विवेक के नाना नानी कहाँ रहते हैं। और एक प्रश्न और लिख देना, एक प्रश्न के उत्तर और देना है आपको, तीन प्रश्न के उत्तर देना है। नेटवर्क और वेबसाइट से आप क्या समझते हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, लाइव टेलीकास्ट क्या अर्थ है। दूसरा है, विवेक के नाना नानी कहाँ रहते हैं। तीसरा है, नेटवर्क और वेबसाइट से आप क्या समझते हैं। इन तीन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके रफ पर, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर रफ पर, फेयर के नहीं करना है, इसको रफ पर लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।